याद है, याद है राधा को क्या कहा था? एक अकेला होता है दो का जोड़ा। ओके ओके ओके, मुझे लगता है कि मुझे आप फ्रेंड्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं चलती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट भाभी, गुड नाइट। ओए भांगडू, अरे भाभी जा रही, गुड नाइट तो बोल। अरे गुड नाइट भाभी, गुड नाइट, गुड नाइट। एक कॉलेज के दिनों से तुम लोग हमको भांगडू बोलता है, अच्छा नहीं लगता हमको। भांगडू को भांगडू नहीं तो क्या देखे वसीम भाई, इस तरह आप तुझे तीन साल नहीं कर सकते हैं। नाराज हो जाएगा। यारो, इतने साल के बाद एक साथ मिलकर बड़ा मजा आया। यार स्वरूप, यार तुझे देखते ही मुझे प्रोफेसर रेखा की याद आ गई। अरे प्रोफेसर रेखा, जिसने क्लास में सबके सामने तुझे मुर्गा बना दिया था। जनाब, प्रोफेसर रेखा के साथ शायराना होने की कोशिश कर रहे थे। बस देखो पीछे, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, प्लीज। अरे मीना, आप तो खामखा नाराज हो गए, और वैसे भी रात हो चली है, मुझे लगता है कि शब्बा खेल के चलना चाहिए। ठीक है वसीम भाई, बहुत देर हो गई, चलना चाहिए, और वैसे भी हमारे प्रोफेसर साहब का मूड सही नहीं है। चल यार, चलते हैं। चल। एक मिनट, इतनी रात को ड्रिंक्स करने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाओ। अरे मैंने तुम लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया। आओ आओ, यही ना बात। चलो चलो बाथरूम कहाँ है? अरे यार, ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया स्वरूप? मैं सुजीत को लेकर आता हूँ। ओए सुजीत, 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 फोन है यार। सुजीत, उठ यार, मामला सीरियस है। नींद से ज्यादा सीरियस यार, मेरे को फोन है। क्या करो? वसीम भाई को उठा दो। वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई, उठो 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 वसीम भाई, वसीम भाई। कैसा होता है? वसीम, ए वसीम, ए देखो प्रीतम को क्या हुआ? चलो चलो, चलो
तुमको प्रॉब्लम हो गया, चलो हेल्प करो, चलो 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 चलो। ए प्रीतम, ए प्रीतम क्या हुआ? ए प्रीतम मर्डर हो गया। अरे कोई हाय, अरे कोई हाय ना की। ए प्रीतम क्या हुआ? देखो नमस्कार प्रोफेसर साहब, मेरा नाम केडी पाठक है, आपका वकील हूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप मेरे प्रश्नों को उत्तर दे सके, तो क्षमा चाहता हूँ, पूछना पड़ेगा कि इसकी सुनवाई की तारीख करीब आ रही है। कुछ क्या जानना चाहते हैं आप? मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार आपके शरीर में एक रसायन पाया गया है। ये रसायन, ये पदार्थ जो भी है, डॉक्टरों को भी इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं। आप ही बताइए क्या है ये रसायन और इसका प्रीतम की मृत्यु से, उसकी हत्या से क्या लेना देना है? इस पदार्थ का नाम है बीएटी ड्रग, लेकिन इस ड्रग का प्रीतम की हत्या से कोई लेना देना नहीं। तो आपके पास ये बीएटी रसायन कहां से आया? जी वो मैं इस ड्रग को विदेश से चोरी छिपे मंगवाता हूँ। क्यों, किस कारण? एक्चुअली पहले तो मैं ये बीएटी ड्रग किसी एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए मंगवाता था। वो एक्सपेरिमेंट तो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते मुझे इस बीएटी ड्रग की आदत लगी। आपने अभी भी कहा आप इस दवा को लेकर कोई परीक्षण कर रहे थे, किस प्रकार का परीक्षण? एक्चुअली सालों पहले मैं इस बीएटी ड्रग से एक ऐसे टॉनिक को बनाने की कोशिश कर रहा था जो एक आम इंसान को वक्तिया तौर पर 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना सके। देखिए प्रोफेसर साहब, यहाँ मुझे कहना पड़ेगा कि एक संभावना है कि जिस रात प्रीतम की हत्या हुई उस रात आपने ये ड्रग लिया था, तो संभव है कि इसका प्रभाव जो है वो सफल हो गया हो और उसी के चलते आपने प्रीतम की हत्या की हो। नहीं केडी, ये बात मुझे सालों पहले ही पता चल चुकी थी कि इस बीएटी ड्रग से ऐसा कोई भी टॉनिक नहीं बन सकता जो एक इंसान को 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना सके। और प्रीतम की हत्या वाली रात तो मैंने इस पदार्थ को बहुत कम मात्रा में अपने अंदर इंजेक्ट की थी, वो भी सिर्फ अपनी तलब को मिटाने के लिए। ये और बात है कि उस ड्रग को लेने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं। मेरा यकीन करो केडी, इस ड्रग की वजह से प्रीतम की मौत नहीं हुई है, जरूर इसके पीछे किसी ना किसी की साजिश है। मैं बेकसूर हूं केडी। मैं देखता हूं, झूठ है ये सब। मैंने किसी को नहीं मारा है। किसी को नहीं प्रोफेसर स्वरूप, आपने अपने बचपन के दोस्त मिस्टर प्रीतम को मारा है, और इस बात के चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास। योर ऑनर, मैं प्रोफेसर स्वरूप के दोस्त मिस्टर सुजीत को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है मिस्टर सुजीत? आप मुझे ये बताइए कि 6 जनवरी की रात को वो पार्टी के बाद आपका प्लान था मिस्टर स्वरूप के यहाँ पे रुकने का? नहीं, हम सब बंधु लोग तो अपना घर जा रहा था। इतनी रात को ड्रिंक्स करने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाओ। अच्छा, रात को जब आपने मिस्टर प्रीतम की चीखें सुनकर आप स्टडी रूम में भागे, तो क्या देखा वहाँ पर आप? हमारा उस दिन जब स्टडी रूम में गया तो हम देखा कि নমস্কার সুজিত দা, কেমন আছেন? নমস্কার, আমি ভালো আছি। তুমি কি বাঙালি নাকি? নেই, আমি বাঙালি নেই, লেকিন মেরা কাম হ্যাঁ পকড়না ভাষা কো ভি আর ঝুট কো ভি। ক্যা বলতা হ্যায়, তুমকো আপ ঝুটা লাগতা হ্যায়? ঝুট আর সচ কা নির্ণয় তো আদালত কর হি লেগি,
अब ये बताइए कि उस रात जब प्रीतम जी आपको उठाने आए थे, तब आप उठकर प्रीतम जी के साथ उनकी सहायता करने क्यों नहीं गए? कैसा जाता, हम तो टाइट था ना। अच्छा टाइट थे आप, नशे में थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत दिखाते तो उठ सकते थे संभवतः। दो कदम तो जाना था। हिम्मत तो बहुत किया हम, किंतु से दिन हमारा माथा गोल गोल घूम रहा था। हम समझ नहीं पा रहा था कि इसका मदद करना चाहिए कि किसी का मदद लेना चाहिए। ये बताइए उस रात कितनी शराब पी थी? इमली तो ज्यादा नहीं पीता है हम, किंतु से दिन 6 पैक पिया। अच्छा 6 पैक पी गए थे, मतलब भारी मात्रा में शराब पी थी आपने। तो भाई ये बताइए कि पहली बार जब प्रीतम आपको उठाने आए, आप उठ नहीं पाए, और उसके 5 मिनट बाद ही आप उठकर स्टडी रूम में चले गए, ये कैसे संभव हो गया? बहुत जोर का आवाज हुआ, प्रीतम चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और वो सुन करके हमारा नींद टूट गया। अच्छा। अर्थात प्रीतम जब आपके पास आकर आपके कानों में चिल्ला रहा था तब आपकी नींद नहीं टूटी, किंतु बाद में जब बाहर चिल्ला रहा था तब अचानक आपकी नींद टूट गई। दादा क्या है कि नींद टूटी टूटी नहीं टूटी नहीं टूटी, आपने खुद कहा कि आप भारी नशे के हालत में थे, तो जो आपने देखा वो भी नशे की हालत में देखा, या ऑनर एक व्यक्ति जो नशे में था और जो देखा नशे की हालत में देखा, तो उसकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? मिस्टर पाठक आप शायद ये भूल रहे हैं कि मिस्टर प्रीतम की हत्या के एक नहीं चार चश्मदीद गवाह है, जिनमें से दो ने शराब भी नहीं पी थी और ना ही किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, जैसा कि आपके मुवक्किल प्रोफेसर स्वरूप करते थे। यस योर ऑनर, डॉक्टर सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर स्वरूप पिछले 15 साल से BAT नाम के एक ड्रग का सेवन करते थे, और इस ड्रग के असर कुछ ऐसे है कि इंसान खुखार और जंगली बन जाता है। और इसी ड्रग के नशे में आकर प्रोफेसर स्वरूप ने मिस्टर प्रीतम की हत्या की। योर ऑनर, इस ड्रग के नशे के बारे में गहराई में जानने के लिए मैं प्रोफेसर स्वरूप की पत्नी सुलिका जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। मिसेस सुलिका, आप अदालत को बताएंगे कि आपके पति प्रोफेसर स्वरूप कितने सालों से BAT का सेवन कर रहे थे? प्रोफेसर BAT ड्रग का सेवन नहीं करते थे, बल्कि एक टॉनिक बनाने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और परीक्षण के दौरान उन्हें कई बार खुद अपने अंदर इस ड्रग को इंजेक्ट करना पड़ता था। मिसेस तुलिका, आपसे आपके पति की सफाई नहीं मांगी, आप बस इतना बताइए कि वो कितने सालों से BAT ड्रग के इंजेक्शन ले रहे थे? तकरीबन 5 सालों से, लेकिन मुझे इसका पता बस अभी 2 महीने पहले ही चला है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि ये ड्रग लेने के बाद इंसान में किस तरह के परिवर्तन आ जाते हैं? वो व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस थोड़ा सा नशा हो जाता है, बस शराब की तरह। देखिए मिसेस सुलिका, इस ड्रग के रिएक्शंस क्या है वो साबित मैं कर सकती हूँ अदालत में, मेरे पास बहुत सारे सबूत है, आप कहे तो मैं अदालत में पेश करूँ। एक्चुअली ये ड्रग्स लेने से इंसान थोड़ा सा खूंखार हो जाता है, और उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जिस इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती हो, वो किसी और इंसान का खून कर सकता है या नहीं? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आपके पति BAT का सेवन कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि वो ड्रग लेने के बाद इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसे में मैं आपसे पूछती हूँ कि वो किसी इंसान का खून कर सकता है या नहीं? हाँ, कर सकता है, पर मेरे पति ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, और ना ही कभी उन्होंने किसी के साथ। आपसे जितना पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए प्लीज। योर ऑनर, 6 जनवरी की रात जब सब दारू के नशे में चूर हो चुके थे, प्रोफेसर स्वरूप अपने स्टडी में गए और
ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, जिसका मुख्य कारण ये है। सुलिका जी के कथन के अनुसार 2 महीने पूर्व ही उन्हें पता चला प्रोफेसर साहब की इस BAT ड्रग को लेने के लत के बारे में। उनका ये भी कहना है कि इस ड्रग को लेने के बाद प्रोफेसर साहब खुखार हो जाते हैं। योर ऑनर, 15 वर्षों में और किसी व्यक्ति ने प्रोफेसर साहब को खुखार स्थिति में नहीं देखा। मिस्टर पाठक, हो सकता है कि उस रात प्रोफेसर साहब ने BAT ड्रग का सेवन कुछ अधिक मात्रा में कर लिया हो और वो अपने आपे के बाहर चले गए। अगर प्रोफेसर साहब अपने आपे से बाहर हुए होते तो बड़ा शोर मचा होता इनके घर में, लेकिन जो अतिथि इनके घर में उस रात रुके थे, किसी ने किसी प्रकार का आवाज नहीं सुना, केवल प्रीतम के चीखने की आवाज। मिस्टर पाठक, ये बेवजह की बहस है। योर ऑनर, इस कत्ल के हमारे 4 चश्मदीद गवाह भी हैं। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ स्तर पर आपको स्मरण करा दूं कि जिन्हें आप चश्मदीद गवाह कह रही हैं, उन्होंने केवल हत्या के बाद प्रीतम का शव वहां देखा, हत्या होते हुए नहीं देखा, तो आप उन्हें चश्मदीद गवाह नहीं कह सकती। योर ऑनर, प्रोफेसर स्वरूप के घर से एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि प्रीतम की हत्या प्रोफेसर साहब के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। कैसा साक्ष्य? योर ऑनर, ये बटुआ पुलिस को छानबीन के बाद प्रोफेसर साहब के घर से मिला। और जांच पड़ताल करने से पता लगा है कि ये बटुआ ना तो इनके घर में उस रात जो अतिथि ठहरे थे उनका है, ना ही प्रोफेसर साहब का है। मैं सही कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब? जी, ये वॉलेट तो बादल का है। बादल? कौन बादल? बादल मुझे BAT ड्रग सप्लाई करता था। क्या 6 जनवरी की रात को बादल आपके घर आए थे? जी हाँ, उस दिन मैंने बादल से BAT ड्रग की डिलीवरी ली थी। रोनर, इस व्यक्ति की बात ये कर रहे हैं, वो इस समय इस अदालत में उपस्थित नहीं है। बादल का कथन दर्ज किए बिना रोनर इस केस को आगे बढ़ाना कठिन होगा। बादल का पता करके उसे कोर्ट में पेश किया जाए। मिस्टर पाठक, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे पहले मैं बादल जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी। थैंक यू। तो बादल जी, सुना है कि ये BAT नामक जो ड्रग है वो हिंदुस्तान में तो नहीं मिलता, आपके पास कहाँ से आता था ये? न्यूजीलैंड से उड़ के आता था जी, मैं खास तौर पे प्रोफेसर स्वरूप के लिए मंगवाता था। सर जी को महीने में 1 या 2 बार जरूरत पड़ती थी जी इसकी। और कितने सालों से आप ये ड्रग इन्हें सप्लाई कर रहे हैं? 5 या 6 साल से। आप जानते हैं कि प्रोफेसर स्वरूप ये ड्रग का इस्तेमाल किस लिए करते थे? मैडम जी, अजीब सवाल है। अब राशन के दुकान वाले को क्या मालूम कि चावल की खीर बन रही है या बिरयानी बन रही है? क्या मतलब? मतलब ये है मैडम जी कि मैंने सुना है कि उस चीज से दवाइयाँ बनती है, लेकिन अब स्वरूप जी उसका क्या कर रहे थे उनने मुझे ना बताया कभी और ना मैंने कभी उनसे पूछा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जब भी प्रोफेसर साहब के यहाँ पे जाते थे ड्रग लेकर उन्हें देने के लिए, तो प्रोफेसर साहब की बीवी या किसी और ने आपसे पूछा नहीं कि आप ये घर में घड़ी घड़ी क्या लेकर जा रहे हैं? जी, प्रोफेसर स्वरूप बुलाते ही मेरे को लेट नाइट थे जी, जब कोई सर्वेंट होता नहीं था घर पे और बीवी सो चुकी होती थी। हाँ, लेकिन एक दिन रात को मैं उनके घर थोड़ा जल्दी पहुँच गया। तोलिका, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। थैंक यू स्वरूप। लवली। स्वरूप, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
ऑन टाइम सर जी, इस दुनिया का वन एंड ओनली इकलौता बादल होगा जो आपके टाइम से चल रहा है। नहीं तो बादल के गरजने और बरसने का क्या भरोसा है जी? ठीक है ठीक है, फालतू बातें मत करो। बीएटी ड्रग लाए? बिल्कुल लाए सर। तो क्या देख रहे हो सर जी? आपने कभी बताया नहीं कि आप इस ड्रग का करते क्या? क्यों, बता दूंगा तो क्या डिस्काउंट दोगे? ये लो, अब चलते रहो। थैंक यू, गुड नाइट सर। सच तो ये है मैडम, उस रात में जल्दी जरूर पहुंचा लेकिन बीएटी ट्रक का असर नहीं देख पाया, मैं वहां से फुर हो गया। योर ऑनर, 6 जनवरी की रात जब पार्टी के बाद सभी दारू के नशे में धुत हो चुके थे, प्रोफेसर साहब ने हमेशा की तरह अपनी पत्नी को नींद की गोली दे दी और फिर अपने स्टडी में जाकर उन्होंने ड्रग का इंजेक्शन लिया। अब इत्तफाकन मिस्टर प्रीतम की किस्मत खराब थी कि वो उसी रात प्रोफेसर स्वरूप के सामने आ गए जिस रात प्रोफेसर स्वरूप अपनी हैवानियत के नशे में चूर थे और वो इनकी हैवानियत का शिकार हो गए। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। बदल, अंतिम बार कब तुमने प्रोफेसर साहब को वो बीएटी ड्रग दिया था? कुछ याद नहीं जी, शायद 2 हफ्ते पहले। नहीं, कौन से दिन पर, किस तारीख पर? तारीख तो नहीं मालूम जी। मैं याद दिला देता हूँ, 6 जनवरी की रात तुम गए थे प्रोफेसर स्वरूप के घर, जिस समय इनके घर पर पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। रात 9:30 बजे थे तुम। मुझे टाइम याद नहीं जी। टाइम तो है, याद हो ना हो, वॉचमैन ने समय अपने रजिस्टर में लिख लिया था। बदल जी का एक बात बताओ, बड़ी विचित्र बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम 9:30 बजे ड्रग देने गए तो वो दे करके तुम्हें निकल जाना चाहिए था, लेकिन रजिस्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम 12 बजे वहां से निकले, तो जबकि गेट तो इनके द्वार से 2.5 मिनट की दूरी है, 2.5 मिनट की दूरी तय करने में तुम्हें 2.5 घंटे क्यों लग गए? I object your honor. बादल जी अपना काम खत्म करके प्रोफेसर साहब के यहाँ से सबके सामने निकल गए थे, अब उसके बाद वो कॉलोनी में भजन कीर्तन कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है ऑनर, क्योंकि उस रात उस कॉलोनी में भजन कीर्तन नहीं हो रहा था, एक व्यक्ति की हत्या हुई है और घटनास्थल पर उस समय जो भी व्यक्ति था वो हत्या के समय कहाँ था ये पता लगाना आवश्यक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ तो बताइए, कहाँ थे आप उस समय? याद है सर जी, याद है। याद आ गया? हाँ बताइए बताइए। एक्चुअली मेरा दोस्त रहता उस कॉलोनी में, तो मैं उससे ही मिलने गया था। ये असत्य है कि आप वहाँ कॉलोनी में अपने किसी मित्र के घर गए थे। संभवतः ये बात सत्य हो सकती है कि प्रीतम जी की हत्या में आपका हाथ था। बादल जी की मिस्टर स्वरूप के दोस्त प्रीतम जी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ प्रोसिक्यूटर महोदय, कि बादल उस दिन ड्रग्स देने के बहाने प्रोफेसर स्वरूप को प्रीतम जी की हत्या में फंसाने गए थे, और फंसाने का कारण भी है। और प्रोफेसर साहब बताइए जरा न्यायाधीश महोदय को, क्या चल रहा था आपके और बादल के बीच? कुछ दिन पहले बादल मुझे बीएटी ड्रग की डिलीवरी देने आया था। सर जी मुझे पता चल चुका है कि आप इस बीएटी ड्रग का करते क्या। अच्छा, क्या करता हूँ मैं? नशे हो रहे हैं जी इस ड्रग के जरिए, पिछली डिलीवरी में सब देख लिया था मैंने। फालतू बातों में अपना वक्त जाया मत करो, अपने काम से काम रखो और चलो यहाँ से। सर जी अब तो हमें पार्टनर बन जाना चाहिए, माँ कसम बहुत पैसे कमाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है सर जी कि मैं ये ड्रग आपको दिया करूँगा, आप ये ड्रग अपने कॉलेज में लौंडे लपाड़ों को बेचा करिए, हाँ कसम ऐश हो जाएगी हमारी। खबरदार जो तुम्हारा ऐसी घटिया बात की मुझसे, इस ड्रग ने पहले ही मुझे बर्बाद कर रखा है, और अब तुम चाहते हो कि कॉलेज के बच्चों के बीच पे भी ये जहर फैलाऊं मैं?
ये तो करना ही पड़ेगा जी आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी बीवी को आपके नशे के बारे में नहीं मालूम, और अगर उनको पता चल गया कि आप उनको नींद की गोली खिलाकर ऐसी हरकतें करते हो, दो दिन में भाग के चली जाएंगी। चलो देख रहे हैं, बहुत समझ में आने लगी ना बात। एक महीने का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद जबान खुल जानी है मेरी। जब प्रोफेसर स्वरूप ने बादल का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो बादल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कॉलेज के छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करना शुरू किया, और ये बात की जानकारी प्रोफेसर साहब को मिली। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बादल। सर जी, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है मेरी, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते काम? वैसे भी खुला ऑफर दे चुका आपको। नहीं, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी धमकियों से डर कर पुलिस को मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं बताऊंगी, तो तुम बहुत गलत समझ रहे हो। अगली बार मुझे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कॉलेज के बच्चों को इस ड्रग की आदत डाल रहे हो, समझे तुम? योनर प्रोफेसर स्वरूप बादल के रास्ते का पत्थर बन गए थे, और इन्हें रास्ते से हटाना आवश्यक हो गया था। इसीलिए 6 जनवरी की रात को बादल ने जो किया वो किया। ठीक, मैं आता हूं। दोस्त, मैं जरा एक मिनट होकर आता हूं, तुम लोग तब तक एंजॉय करो। और सुन, फिर और सुन, ये सब उसके पीछे जा रहा था। अरे माय गॉड सर जी, बड़े चेपू आदमी हो कसम से यार, बाकी काम तो करने ही दे रहे, कम से कम इसके पैसे दे दो। इससे पहले तुम्हें कोई देख ले, चलते बनो यहाँ से। सर जी ये झूठ है, आप बिना बात में फंसा रहे मुझे। केवल इतना ही नहीं, और छानबीन के समय पुलिस को डॉक्टर स्वरूप के बाथरूम से 10 नंबर के जूतों के निशान मिले हैं। योर ऑनर, रिपोर्ट आपकी मेज पर है। इनके घर में उस रात जितने अतिथि आए थे योर ऑनर, उनमें से किसी के जूतों का नाप 10 नंबर का नहीं, ना ही इनका है, किंतु योर ऑनर बादल के जूतों का नाप 10 नंबर। अरे सर जी, बाय गॉड की कसम, क्लास ले ली आपने मेरी। अब आप सच सुनिए, ये सच है कि मैंने ड्रग्स बेचे, BAT ड्रग्स भी बेचे, सब कुछ गलत काम किया, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर। तो ये बताओ, बादल की ड्रग की डिलीवरी के बाद 2-3 घंटे तक तुम उस कॉलोनी में क्या कर रहे थे? सर जी, उस दिन उसी कॉलोनी में कई कॉलेज स्टूडेंट लोगों की पार्टी थी, मैं उधर ड्रग सप्लाई करने गया था। झूठ मत बोलो बादल, तुम्हारे जूतों के निशान इनके बाथरूम में पाए गए। हाँ जी सर जी, जो मैंने कब मना किया कि मैं बाथरूम में नहीं गया, वो एक्चुअली मैं घर से निकल रहा था तो उनका नौकर सामने से आ गया। अब वो नौकर तो आया, मेरे को लगा कि मैं कहाँ जाकर छिपूं, तो मेरे को लगा बाथरूम में जाकर छिप जाता हूँ, इसीलिए मैं बाथरूम में जाकर छिप गया। मम्मी की कसम सर जी, मम्मी की कसम, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये तो समय ही बताएगा बादल। थैंक यू मिस्टर पाठक, थैंक यू सो मच। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने बादल जी का पर्दाफाश करके मेरे लिए तो एक नया रास्ता खोल दिया है। मैं स्वरूप जी से कुछ पूछना चाहूंगी। आप इतना बताइए कि इस BAT ड्रग में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे इंसान की शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके प्रोजेक्ट की कॉपी है मेरे पास, और उसमें साफ लिखा है कि आप BAT ड्रग से एक ऐसा टॉनिक इजाद कर रहे थे जिससे इंसान में इतनी शक्ति आ जाए कि वो चीते से भी तेज दौड़ सके, उसमें हाथी से भी ज्यादा शक्ति आ जाए। देखिए, ये बात सच है कि मैंने BAT ड्रग के साथ एक ऐसे टॉनिक को बनाने की कोशिश जरूर की थी जिससे इंसान की ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ सके, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो सालों पहले फेल हो चुका है। हो सकता है कि अब जाके आपका परीक्षण सफल हो गया। आपने ऐसी दवाई बनाई जिससे लेकर आप वो खूंखार जानवर बन गए, और उसी हैवानियत में आके आपने डॉक्टर प्रीतम की हत्या कर दी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऐसा ड्रग ना तो कभी बना है और ना बनेगा। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में ऐसे किसी ड्रग का कोई अस्तित्व ही नहीं। योर ऑनर, आविष्कार किसी न किसी दिन सफल होता है, और साइंस की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है मिस्टर पाठक। अब मिस्टर स्वरूप का एक्सपेरिमेंट किस हद तक सफल हुआ है ये बताने के लिए मैं उनके नौकर भाईराम को बुलाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। भाईराम जी, आप बताएंगे कि आप कितने सालों से प्रोफेसर साहब के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? यही कोई 10 सालों से। हमें प्रोफेसर साहब की जो आदतें हैं
इनके बारे में बताइए प्लीज। ये बात तो बोलना पड़ेगा मैम साहब। साहब हमारे बहुत ही जोरदार आदमी हैं। हर त्योहार में हमको बख्शिश देते हैं और छुट्टियाँ भी बहुत देते हैं। मैं आपके बख्शिश और छुट्टी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, प्रोफेसर साहब को जो नशा करने की आदत थी उसके बारे में बताइए। हाँ मैम साहब, अभी कुछ दिन पहले हमको एक बात पता चली। एक दिन भोर के हम रूम की साफ सफाई कर रहे थे, कहाँ है इसमें? क्या कर रहा तू? आप कहाँ है? अपने काम से काम रख। इसके बारे में अगर तूने किसी को बताया ना तो फिर चल यहाँ से। और उसी दिन हमको सांप पर शक हो गया कि सांप रूम के अंदर छुप छुप कर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और हमने भी ठान ली सच जानने के लिए। वाह क्या बात है भाईराम जी, वेरी गुड। अच्छा दूसरी बार आपको उन पर शक क्यों हुआ? प्रीतम साहब की हत्या के दिन साहब हमको जबरदस्ती छुट्टी दे रहे थे, हम भी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। घर चले गए होंगे बराबर? निकले तो थे लेकिन दीवार फांक के वापस अंदर आ गए, तो अंदर जाकर हमने देखा। जान बच गई हमारी उस दिन, नहीं तो आज हमारा भूत यहाँ गवाही दे रहा होता मैम साहब। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। अद्भुत बात है भाई राम जी, आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटी और आपने इस घटना के बारे में ना पुलिस को बताया ना तुलिका जी। आप बात कर रहे हो बाबूजी, हमने मेम साहब को बताया था तो मेम साहब ने हमारा मुंह बंद रखने के लिए हमको बिना त्योहार ही बख्शीश दे दी। झूठ बोल रहे हैं नमक हराम। अरे तुलिका जी विश्राम करिए, आगे बोलने का बहुत अवसर आएगा आपके लिए। बैठे विराज। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ बिना त्योहार के बोनस दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसा अगर हुआ होगा तो चोटें तो बहुत आई होंगी। आप कहाँ कहाँ चोटें आई दिखाई? ये समझिए साहब कि जान बच गई हमारी, वो तो क्या है कि हम बचपन में बहुत दूध और घी पिया हूँ, तभी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ हमारा। ये बात मेरी समझ में नहीं है भाईराम जी कि 10 गुना शक्तिशाली आपसे किसी व्यक्ति ने आप पर आक्रमण किया और आपको गहरा घाव ही नहीं आया, भारी चोटी नहीं आई, ऐसे कैसे हो गया? लगनी चाहिए थी क्या? नहीं नहीं लगनी चाहिए और लग भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसी कोई दवा ही नहीं बनी आज तक इस विश्व में जिससे पीकर आदमी कुछ ही क्षण में 10 गुना शक्तिशाली हो जाए, तो फिर आपको चोटें कैसे लग सकती थी? I object your honor. अब इतने सारे सबूतों और गवाहों के बाद इस बात को तो नहीं झुटलाया जा सकता कि वो BAT के सेवन के बाद प्रोफेसर स्वरूप खुखार बन जाते थे। In fact, 1982 में पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर रॉबर्ट हॉथॉर्न उन्होंने भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था और ऐसी एक दवाई बनाई थी
जिसका परीक्षण उन्होंने अपने एक स्टूडेंट पर किया था, और वो स्टूडेंट जो है वो दवाई के सेवन के बाद खूंखार हो गया और उसी ने डॉक्टर की हत्या भी कर दी है। योर ऑनर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, यह सत्य है कि पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर हॉथॉर्न की हत्या की गई थी, लेकिन पेंसिल्वेनिया की पुलिस ने आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किसी परीक्षण के चलते उनकी हत्या हुई थी। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? मतलब हमारे जो चार विटनेसेस हैं, तुलिका जी, भाई राम जी, वसीम जी, सुजीत जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, माना इनमें से किसी ने भी प्रोफेसर साहब को खून करते हुए नहीं देखा, लेकिन सभी ने प्रोफेसर साहब का वो खूंखार स्वरूप जो था वो तो देखा ही है। योर ऑनर, जिसे प्रोसिक्यूटर महोदया खूंखार कह रही है, मैं उसे नशे में होना कहूंगा। योर ऑनर, अधिक नशा करने से व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है, पसीना आने लगता है, वो व्यक्ति खूंखार लगने लगता है। योर ऑनर, लंदन के साइंटिस्ट जेकब व्हाइटमैन ने भी BAT पर एक आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने कहा भी है कि अब साइंस ऐसी दवाइयां इजाद करने के बहुत ही नजदीक है जिससे कि इंसान का ऑल्टर ईगो, यानी कि इंसान के अंदर जो दबी हुई शख्सियत है, वो बाहर निकाली जा सकती है। जिस इंसान के अंदर साधु है उसमें से साधु बाहर निकलेगा, और जिसके अंदर शैतान है उसमें से शैतान निकलेगा। जैसे कि डॉक्टर स्वरूप, इन्होंने उस दवाई का सेवन किया और इनकी हैवानियत बाहर आ गई, और इसी के चलते उन्होंने डॉक्टर प्रीतम की हत्या कर दी। योर ऑनर, जो होगा जब होगा तब होगा। अब इस समय सत्य यह है कि ऐसा कोई ड्रग नहीं जिसे पीकर या खाकर व्यक्ति 5-6 मिनट में 10 गुना शक्तिशाली हो जाए। योर ऑनर, जब तक इन मुद्दों पर आगे जांच पड़ताल नहीं की जाती, योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा कि इस केस को यहां स्थगित कर दिया जाए। अभी तक की कार्रवाई में ये साबित नहीं हो पाया है कि ऐसा कोई पदार्थ या ड्रग है जिससे इंसान 10 गुना ताकतवर या खूंखार बन सकता है या नहीं। अगली तारीख पर यह अदालत इस BAT नामक ड्रग की डिटेल रिपोर्ट देखना चाहेगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न। थप्पड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो कह रहा है ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे किसी ड्रग का अब तक आविष्कार नहीं हुआ। सर, फिर चार गवाह ऐसा क्यों कहेंगे कि उन्होंने प्रोफेसर को किसी खूंखार आदमखोर के रूप में देखा है? सब मेडिकल साइंस का क्या भरोसा, कब कौन सी चीज सफल हो जाए? हो सकता है कि ऐसा ड्रग बना हो जिससे एक आदमी 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन सकता हो। नहीं, हो सकता था और हुआ है, दोनों बातों में अंतर है सुनैना, विशाल अंतर है। और अगर ऐसा है तो फिर इस ड्रग का इजाद आविष्कार उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन प्रोफेसर के घर अतिथि पधारे? सर, इस हिसाब से तो केस में और छानबीन की जरूरत है। छोकरी एकदम सच बोल रही है बॉस। BAT नामक ड्रग के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। एक काम करो तुम दोनों। किदी, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम खुद तो किसी मुसीबत में फंसोगे, मुझे भी फंसवाओगे। अद्भुत बात है, आप जब जब मेरी सहायता करते हैं ये वाक्य अवश्य बोलते हैं, लेकिन क्या आज तक फंसाया आपको मैंने? लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत पहली बार से ही होती है केडी। मत करो, मत करो ऐसा प्लीज। क्या करूं? आप तो जानते हैं किसी निर्दोष को दंड से बचाने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप शुभकामनाएं मेरी सहायता कर रहे हैं। केडी, तुम पहले वो इंसान हो जिसका प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड इक्वली बैलेंस्ड है। चलिए। Are you sure, sir? आपने इसके बारे में सोचा है ना? नहीं, मैं सोच रहा हूँ अदरक की चाय मंगवाऊं और पीते पीते सोचूं। Of course, मैंने सोच लिया इस बारे में। तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? हाँ बॉस, अपूर्व एकदम मालूम है क्या करेगा, डोंट वरी। लेकिन सर, पता है या नहीं? पता है सर। सुनो ना, तुम एक काम करो, कैमरा लेकर वहाँ दीवार के पीछे चले। और सुमन, हाँ बॉस, तू ये ट्रैंक्विलाइजर गन लेके उस दीवार के पीछे चले।
अगर ऐसा लगा कि मैं बेकाबू हो रहा हूँ या कुछ हो रहा है तो बिल्कुल वहां से ट्रैंकुलाइजर चला देना। यस बॉस। प्लीज रमन। हाँ बॉस। मैं रेडी। रेडी। ध्यान रहे केडी, 15 ग्राम से ज्यादा रक्त हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जानलेवा साबित हो सकता है। इसे इंजेक्ट करने से पहले ध्यान रखना केवल कि तुम खूंखार, घातक और एक आम इंसान के लिए अनियंत्रित बन सकते हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.